आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूपी में 58 सीटों पर मतदान जारी, 11 जिलों के 58 सीटों पर डाले जा रहे वोट। यूपी में पहले चरण के 58 सीटों पर वोटिंग जारी, कई जगह पर ईवीएम खराब होने के बाद बदली गई ईवीएम। पहले चरण को लेकर जबरदस्त उत्साह, सुबह से लगी लंबी कतारें, वोट डालने के बाद बोले ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, यूपी में फिर खिलेगा कमल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोली, लोगों के लिए ये फैसले की घड़ी, बेहतर विकल्प चुनने का है मौका। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,084 नए केस आए सामने। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश की 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इस बार वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी, जिसको लेकर कई जिलों से तस्वीरें सामने आ रही है। बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ, आगरा, नोएडा, सभी जगह लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही लोगों ने मतदान शुरू कर दिया है और आंकड़े भी अब सामने आ रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में मतदान हो रहा है। आगरा में 7.53%, अलीगढ़ में 6.826%, बागपत में 8.93%, बुलंदशहर में 7.51% मतदान हो चुका है सुबह 9 बजे तक। वहीं मथुरा में 8.30%, हापुड़ में 8.20%, गाजियाबाद में 7.37%, गौतम बुद्ध नगर में 8.33% मतदान सुबह 9 बजे तक हो चुका है। वहीं मेरठ में 8.44%, मुजफ्फरनगर में 7.50%, शामली में 7.70%, अभी तक यानी 9 बजे तक मतदान हो चुका है। और 9 बजे तक की ये आंकड़े हैं जो आपने अपनी स्क्रीन पर देखे। रुक करते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस संदेश में सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों और बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ भी किया, पूरी श्रद्धा और प्रतिबद्धता के साथ किया, जो कुछ भी कहा, आपके भरोसे के मान को रखते हुए उसे निभाया। आगे सीएम ने लोगों से संदेश देते हुए क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों एवं बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ भी किया है, पूरी श्रद्धा एवं प्रतिबद्धता के साथ किया, और जो कुछ भी कहा, आपको भरोसे को मान रखते हुए उसे निभाया। आपने स्वयं सभी कुछ देखा है और इन चुनावों तक आते आते ध्यान से सब कुछ सुना भी, और मुझे आपसे अपने दिल की एक बात कहनी है। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ। उत्तर प्रदेश के सभी 1,00,000 गांवों में सभी घरों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई गई, ऐसा पहली बात हुआ। कुछ लोग शायद कल्पना न कर पाए कि इससे करोड़ों लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है। मैं यह वोट मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं तो पिछली सरकारों की तरफ से क्षमा मांगता हूं कि इस काम को वे 70 सालों में नहीं कर पाए। हमने घर घर, करोड़ों घरों में शौचालय बनवाए। मेरे लिए यह भी आपकी वोट पाने का जुगाड़ नहीं था, स्वच्छता से भी अधिक यह मेरे लिए माताओं और बहनों के सम्मान और उनकी गरिमा का प्रश्न था। लाखों घर परिवार छप्पड़ और खपरेल की कच्ची छत से उभर कर पीढ़ियों में पहली बार पक्के मकान में आ गए हैं। उनकी आंखों में चमकती खुशी और आत्मविश्वास ऐसा है कि सैकड़ों चुनावों की जीत की चमक को भी वे फीका करते। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे,
लेकिन अब तक धुएं वाले चूल्हे पर काम करती हमारी माताएं और बहनें अब बार बार बीमार पड़ने से बचेंगी, स्वस्थ रहेगी एवं आत्मसम्मान की अनुभूति भी करेगी। आयुष्मान योजना आज उत्तर प्रदेश के करोड़ों परिवारों को रोगों से निपटने का सहारा बनी है। आपने देखा कि हम हर घर नल से पानी पहुंचा रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक एक्सप्रेसवे बिछा रहे हैं, प्रदेश भर में औद्योगिक कॉरिडोर लगाने की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच 2 साल पहले से इस भयंकर कोरोना की वैश्विक महामारी ने आ घेरा है। बड़े से बड़े धनी और उन्नत देश भी विवश दिख रहे हैं। पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। ऐसा लगने लगा कि मानो बीमारी से मरे न मरे, भूखमरी से लोग अवश्य मरने लगेंगे। हमने निर्णय लिया कि मेरे उत्तर प्रदेश में कोई भूखों नहीं सोएगा। हमने करोड़ों परिवारों तक मुफ्त राशन पहुंचाना शुरू किया। ईश्वर की कृपा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से यह संकल्प भी अब निभाया जा रहा है। 15 करोड़ परिवारों को राशन की डबल डोज प्रत्येक माह उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के नागरिक स्वस्थ एवं समृद्ध रहे, इसलिए प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। हर जिले में ऑक्सीजन के संयंत्र युद्ध स्तर पर लगाए गए। किसी परेशान नहीं किया, यह मेरा कर्तव्य था, इसे पूरी निष्ठा से निभाया। हमने पिछली सभी सरकारों का रिकॉर्ड तोड़ा है। आप सब साक्षी हैं कि मैंने अपने सभी निर्णय जाति, मत, मजहब, समुदाय, क्षेत्र या जिले के आधार पर पक्षपात किए बिना लिए हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते यह मेरा दायित्व था और रहेगा। 5 साल आपने किसी घोटाले के आरोप नहीं सुने। मैं योगी हूं, मेरे भगवे पर कोई 2 पैसे के भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा सकता। लेकिन इस बात के लिए भी मैं आपसे अपना वोट नहीं मांगूंगा, तो मुझे शोभा नहीं देता। मुझे सबसे बड़ा संतोष इस बात का है कि आज हमारा उत्तर प्रदेश गुंडों, बदमाशों, दंगाइयों, उगाही गिरोहों, पेशेवर अपराधी और माफियाओं के आतंक से मुक्त है। पलायन कर गए हिंदू अपने घरों को लौट चुके हैं। उनको धमकाने और प्रताड़ित करने वाले या तो जेलों में बंद हैं या फिर सहम कर दुबक गए हैं। पुलिस भी अब बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के काम करती है। कानून और व्यवस्था में हमारी बहन बेटियों का भरोसा लौटा है। अराजकता एक बुरा सपना जैसी बात होके रह गई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं अब आपसे सुरक्षा प्रदान करने के एवज में आपका वोट मांगू। अपने निर्दोष नागरिकों को एक भयमुक्त जीवन और सुरक्षित वातावरण देना तो किसी भी सरकार की प्राथमिक धर्म है। आप हमें और किसने चुनते हैं? आज मुझे कोई चिंता है तो केवल एक कि जिन जिन दंगाइयों और आतंकियों पर अंकुश लगा है वे सब अब मचल रहे हैं। आतंकी बार बार धमका रहे हैं कि जरा सरकार आने दीजिए, सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। खबर बुलंदशहर से है, जहां प्रथम चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर डीएम, डीआईजी समेत कई बड़े अधिकारी मतदान स्थल पर सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे और अपना मतदान भी दिया। वहीं मतदान करने के बाद डीएम और एसएसपी जनपद की सभी बूथों का निरीक्षण करने के लिए भी रवाना हुए। तस्वीरें देख सकते हैं आप, निरीक्षण करने तो डीएम एसएसपी पहुंचे, साथ ही किस तरह से सजाया हुआ है, तिरंगे के रंग से रंगा हुआ है और साथ ही गुब्बारों से सजाया हुआ नजर आ रहा है मतदान केंद्र। तो तमाम मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने कई अधिकारी पहुंचे, अपने मत का उपयोग भी किया, मतदान किया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने डीएम और डीआईजी पहुंचे।
तो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है, कहीं कोई चूक ना रह जाए इस बात की पूरी पुष्टि की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने की भी जिम्मेदारी उठाई हुई है इस वक्त प्रशासन ने। और तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह खूबसूरती से मतदान केंद्र को सजाया गया है। बुलंदशहर से ये खबर सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने डीएम और डीआईजी पहुंचे, अपने मत का उपयोग भी किया, जनता को जागरूक भी किया कि अपने मत का प्रयोग करें, साथ ही साथ शांति व्यवस्था भी बनी रहे इस बात का लोगों को भान भी कराया। और साथ ही अलग अलग मतदान केंद्र पर पहुंचे और सुरक्षा का जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं डीएम और डीआईजी। और मुझे संवैधानिक दायित्वों की के तहत काम करना है और मेरा काम है जिले में निष्पक्ष शांतिपूर्वक और जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश है उसके तहत मैं निर्वाचन कराऊं। मेरा व्यक्तिगत मत मायने नहीं रखता है। कौन से जनपद में है और आपने मतदान कब इस्तेमाल करेंगे? देखिए मैं वाराणसी से उतर हूँ और बैलेट उत्तर बैलेट पेपर का प्रयोग मेरे द्वारा किया जाएगा, मैंने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। फिलहाल यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में मेरा दायित्व है निष्पक्ष भयमुक्त माहौल में स्वतंत्र चुनाव कराना और हम और जिलाधिकारी मिलकर के इस प्रक्रिया में इस कार्य में लगे। कौन से चरण में सर मतदान आपका? उत्तर प्रदेश का संभल जिला दुनिया भर में अपने हस्तशिल्प उत्पादों के लिए लोकप्रिय है। अगर बात करी जाए राजनीति की तो इस जिले की असमोली विधानसभा सीट पर सपा का दबदबा रहा है। वहीं संभल असमोली के गांव महमूद नगर में समाजवादी पार्टी की विधायिका पिंकी यादव का गांव वालों ने नाच गाना गाकर इस स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान भी चलाया और साथ ही लोगों को जागरूक किया और वोट की अपील की। संभल असमोली विधानसभा 32 के कांग्रेस प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी को वोट दिया तो बीजेपी को वोट जाएगा। हाजी मरगूब आलम ने कहा जनसंपर्क के दौरान हर गांव में शिकायत सुनने को मिल रही है, जनता कह रही है कि चुनाव के समय वोट मांगते नजर आते हैं उसके बाद 5 साल गायब हो जाते हैं। हाजी मरगूब आलम ने लोगों से अपील की कि कांग्रेस के पक्ष में वोट करें। वोट मांगने के लिए कांग्रेस के लिए आया हूँ, आपके भाई को कांग्रेस ने अपना नुमाइंदा चुन करके भेजा है। इस पार्टी में टिकट लेना ही बहुत मुश्किल काम होता है, आपके भाई के बाजुओं में इतनी ताकत थी कि टिकट लेकर के आपके बीच मुझे भेजा है। मैं आप लोगों से ज़्यादा ना बात करके यही कहूँगा, मेरे हाथों को मजबूत कीजिए, मेरी प्रियंका गांधी दीदी को मजबूत कीजिए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए और आपके भी सब वोट मांगने के लिए आएंगे, वोट मांगने आते हैं। मौसम है जिसमें ओवैसी को आप जानते हैं बिल्कुल वोट मत काटिए, ओवैसी को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट किया, जितना वोट हमारा कम होगा कटेगा वो बीजेपी को बेनिफिट होगा। सपा ने बलिया नगर सीट पर नारद राय पर अपना दाव लगाया है। वहीं बलिया में पक्ष और विपक्ष दोनों में जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व मंत्री नारद राय ने दयाशंकर सिंह पर कटाक्ष कर कहा कि सड़कों बदहाली बया कर रही है, यहां का हाल जानवर भी जान रहे हैं और डर रहे हैं क्योंकि गड्ढों से कहीं पैर न टूट जाए। के उम्मीदवार के तौर पर हैं तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल में जो उसने काम किया तो क्या दयाशंकर सिंह आपके सामने एक बड़ी लड़ाई दे सकते हैं? देखिए हम तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और जितने लोग 11 तारीख तक पर्चा दाखिल करेंगे वापसी करने के बाद जो बचेंगे उन सबसे चुनाव लड़ता हूँ और हर उम्मीदवार का एक एक रोज वोट घटाता हूँ और अपना एक एक वोट रोज पूरे चुनाव में बढ़ाते रहने का काम करता हूं। भाजपा के उम्मीदवार तो पर्यटक हैं, पर्यटन की दृष्टि से बलिया आए हुए हैं, एक बार और आए थे 2007 में बलिया की भारतीय जनता पार्टी ने से ही उनको बलिया नगर से उम्मीदवार बनाया था, 6906 वोट पाए थे, जमानत नहीं बची थी। इस बार भी भाजपा के उम्मीदवार की जमानत
खबर महोबा से है, जहां महोबा शहर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा बुलडोजर प्रचार यात्रा निकालते हुए लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की गई। बुलडोजर को सजाकर भगवाधारी नारा लिखा गया और शहर में घूमते हुए लोगों से अपील की गई कि माफियाओं, अराजक तत्वों और दबंग कब्जाधारियों को रौंदने के लिए बीजेपी को वोट दे, ताकि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अपना काम कर सके। ये महुआ वासी तो पहले से अनोखे हैं, तो अनोखा प्रचार भी करेंगे। पीछे बुलडोजर में आप देख रहे हैं, बुलडोजर चला तूफानी चाल, माफिया हुए बेहाल। तो ये योगी जी एक संदेश जो पहले भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं कि जितने भूमाफिया, जितने गुंडे, जितने अराजक तत्व हैं, वो सभी सावधान हो जाएं। ये ना सोचे कि सरकार बदलेगी, सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की आएगी और जो अराजक तत्व हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा। अंबेडकर नगर में नामांकन के चौथे दिन 13 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट पर काफी गहमा गहमी का माहौल रहा और लगातार प्रत्याशियों के आवागमन लगा रहे और भाजपा से पूर्व कैबिनेट मंत्री सहित 3 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। साथ ही भाजपा गठबंधन की निषाद पार्टी के 1 प्रत्याशी ने भी नामांकन किया। बसपा से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं टांडा से प्रत्याशी शबाना खातून और जलालपुर से राजेश सिंह ने भी नामांकन किया। कांग्रेस से 1, आम आदमी पार्टी से 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं अकबरपुर से भाजपा प्रत्याशी धर्मराज ने नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए इनकी जुबान फिसल गई और कहा कि यदि 5 साल सरकार और आ जाए तो विकास के साथ साथ गुंडा राज भी जरूर आएगा। ये होता है जनता के बीच में, जनता के बहुत से ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जो सरकारों के द्वारा, जन प्रतिनिधियों के द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। हम इतना जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन ये विधायक बनकर आएंगी, जनता के जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसका हनन हम नहीं होने देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तमाम बातें थी, जैसे आप देख रहे हैं कि निचले स्तर पे भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती थी, निचले स्तर पे भ्रष्टाचार आज भी जबरदस्त तरीके से व्याप्त है। पहले जो काम 150 रुपए में जनता का हो जाता था, आज 5000 रुपए में होता है। तो निचले स्तर पे भ्रष्टाचार नहीं, महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार का नाम नहीं है, रोजगार के नाम पर प्राइवेटाइजेशन सारी चीज़ों का हो रहा है। तो हम लोग इस देश के जागरूक नागरिक हैं और ये समझ रहे हैं कि भारतीय पार्टी देश को गलत दिशा में लेकर के जा रही है। जो है, जो विकास बहुत तेजी से और बजट खर्च हुआ है, वो आने वाली सरकार उसको पूरा करेगी। इस देश और प्रदेश में राम राज आएगा और राम राज जो आएगा तो राम राज जानते हैं कि कोई कमी नहीं होगी। तो 5 साल सरकार चली, रामराज नहीं आया था क्या? नहीं, 5 साल किसी सरकार, 75 साल में राम राज आया है, गुंडा राज खत्म हुआ। गुंडा राज को हम बढ़ने नहीं देंगे। जो पूर्ववर्ती की सरकार थी उसमें कितना गुंडा राज था, लोग चैन से नहीं जी सकते थे, सड़कों पर नहीं चलते थे, वो तो ख़त्म है। लेकिन 5 साल अगर और आ जाएगा तो विकास के साथ साथ गुंडा राज तो ज़रूर आएगा, लोग रात दिन भी जाएंगे, कोई डर नहीं रहेगा। वजह होती तो हमारे घर में क्यों आता टिकट, तो बाहर चला जाता, कोई बात होती तो। अब वो दे दिया तो हाईकमान ने कि उसके लिए क्या कहा जाए, कुछ हम तो उसका कोई वो है नहीं। भाई, कौन से काम नहीं हुआ जो आप कराना चाहेंगे? अब जो काम नहीं हुए हैं, बहुत कुछ ऐसे काम हैं हमारे क्षेत्र में। अभी शिक्षा बहुत पीछे है, ये शिक्षा उतनी बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया होना चाहिए। बाकी और तमाम विकास के काम भी बाकी हैं हमारी तरफ से। जैसे यहाँ अभी कोई, वैसे तो माने बड़ी बड़ी सड़कें यहाँ से जा ही रहे हैं, बड़े हाईवे वे जा रहे हैं हमारी विधानसभा से होते हुए और लगा करके। बाकी और जो रहेगा तो उसको कराया जाएगा। सबसे पहला है जैसे महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे। आपके सामने विधायक दो चुनाव लड़ रहे, कैसे फेस करेंगे आप इन लोगों को? विधायक तो हैं लेकिन एक जगह नहीं रह के लड़ पा रहे हैं, तो कुछ तो कमी होगी जो इधर से उधर जा रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं
प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।